नमस्कार, मैं हूं मनुराव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विसात 2018, जिसमें लगातार बात चल रही है छात्र संघ चुनाव 2018 की। और बात करें मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी की, तो इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है छात्र संघ में। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जो है हमारे साथ है, तीनों ही उम्मीदवार हमारे साथ है। हमारे साथ है निर्दलीय सुखदेव डांगी, एनएसयूएल से महेश रोत और एबीवीपी से हिमांशु बागड़ी। तो सबसे पहले हम सुखदेव डांगी से बात करेंगे कि आप ने एबीवीपी संगठन से हैं आप और आपने टिकट मांगा, फिर ऐसा क्या रहा कि आपको निर्दलीय लड़ना पड़ा? मैंने संगठन से टिकट मांगा था, मेहनत करके जो भी काम कर रहा था संगठन से टिकट मांगा, पर मेरे पास लाइजनिंग नहीं थी, धन बल बहुबल नहीं था, कोई लाइजनिंग वाला नहीं था। पूरे साल संगठन में काम किया, जैसे जो भी इनके जो भी प्लानिंग थी, जो भी सेल्फी विद कैंपस का प्रोग्राम था, जो भी प्रोग्राम थे मैंने सारे, ऐसी बात नहीं है कि संगठन के लिए काम नहीं किया है, किया है। तो अपने पास लाइजनिंग नहीं थी मेन चीज, और मेन चीज था कि धनबल बहुबल का अपने पास कोई नहीं था, इसलिए तो अपना कोई लाइजनिंग करने वाला नहीं था, इसलिए मुझे संगठन ने टिकट नहीं दिया। आप बताइए महेश जी, आप एनएसयूए से लड़ रहे हैं, लेकिन दो दिन पहले आपका एक बयान आता है कि मैं एनएसयूए मेरे साथ ऐसा कर रही है, इसलिए मैं भी एनएसयूए से नहीं लड़के निर्दलीय लड़ूंगा, इसके बारे में क्या कहना है आपका? एनएसयूए संगठन से जुड़े हुए पदाधिकारी कुछ जो इधर उधर मतलब संगठन के प्रति वफादार नहीं होते हुए थोड़ा इधर उधर कर रहे थे, इनकी नाराजगी की वजह से ये बयान दिया था मैंने, स्टेटमेंट। अभी सब ठीक है? अभी सब, मीटिंग बुलाई गई थी कल शाम को, इसके बाद सब चर्चा हुई और सब ठीक है अभी। हिमाचल जी आप बताइए, तीन मेन दावेदार थे एबीवीपी से कि ये अध्यक्ष के उम्मीदवार हो सकते हैं, इसमें से ये तो तय है कि एक कोई टिकट मिलेगा और दो को जो भी बैठना है जो भी, आपका क्या मानना है कि इससे पहले तीनों उम्मीदवारों से पहले आपकी कभी कोई बात हुई या जो भी ये फैसला लिया गया उसके बाद जो बगावत हुई उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मेरा तुम्हें बता दू, 2013 से मैं संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, संगठन के साथ निरंतर काम करे हुए हैं, 6 साल से संगठन के साथ सच्चे कार्यकर्ता के साथ जुड़ा हुआ, और संगठन ने वही चीज देखी और सब में बात हो रखी थी कि जो भी संगठन तय करेगा उसके साथ देंगे, और मैंने हमेशा उसी स्टेटमेंट की पालना करी थी। और जब मेरा क्लियर हुआ कि मैं चुनाव लड़ सकता हूँ तो संगठन ने मुझे विश्वास जताया और मुझे मौका दिया। आपसे भी यही सवाल है कि तीन में से एक को ही टिकट मिलना था, उसके बाद संगठन का समर्थन करना था, लेकिन ऐसी क्या कारण रहा कि आप बगावत हो? मेरा सबसे बड़ा कारण ये रहा, एक तो मुझे स्टूडेंट का प्यार मिला और मैं उन लोगों के लिए काफी 6 साल से काम कर रहा हूँ उन लोगों के लिए बीच में रहकर, तो उनका एक अच्छे से लगाव था मेरे से। और सबसे बड़े मुझे बस संगठन से इसी चीज की नाराजगी थी कि हिमांशु जी पिछले साल भवानी शंकर बोरीवाल एबीवीपी के प्रत्याशी थे, तो हिमांशु जी ने पिछली बार भवानी शंकर बोरीवाल के साथ नहीं थे ये, तो बस मुझे इस चीज की बस बहुत वो थी, नाराजगी थी, इसलिए मैं संगठन के साथ नहीं हूँ। और पिछले साल जो चुनाव हुए तो हिमांशु जी हमारे साथ नहीं थे, तो हमें उससे भी कोई दोहराया नहीं है। और उसके बाद भी भाई साहब ने बताया, हिमांशु जी भाई साहब ने बताया कि मैं 2013 से एबीवीपी का कार्यकर्ता रहा हूँ, तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। पर 2014 में हिमांशु जी चौधरी इस यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बने थे, तब उनके सामने देवेंद्र सिंह चुंडावत चुनाव लड़ रहे थे, तब आप हिमांशु चौधरी के साथ थे, एनएसयूआई से लड़े थे वो। उसके बाद 2015 की बात करें तो सोनवारी चुनाव लड़ा, संगठन से लड़ा एबीपी से, तब आप रौनक पुरोहित के साथ थे। 2016 में नीरज जी लड़े, नीरज जी के साथ थे, कोई दोहराई की बात नहीं है। 2017 में भवानी शंकर बोरीवाल लड़ा, तो आप साथ नहीं थे। इस चीज की मुझे बहुत बुरी लगी, इस चीज की बहुत नाराजगी लगी, चलो संगठन में मैंने इनसे कम काम किया कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर मुझे इस चीज की बहुत नाराजगी थी, इसलिए मैंने ये डिसीजन लिया। और मुझे स्टूडेंट का काफी अच्छा प्यार मिला, उनका काफी अच्छा सपोर्ट है, मैंने उन बीच में रहकर उन लोगों के बीच में रहकर काम किया है, तो निश्चित तौर पे वो उनकी दुआएं और उनका सपोर्ट मेरे साथ है अभी। क्या कहना चाहते हैं आप? बताया गया धनबल के ऊपर तो एक तो टिकट लिया गया मिला है, और उसके बाद में आप हमेशा अलग अलग संगठन अलग अलग नेताओं के लिए जुड़े रहे। पहली बात तो मैं क्लियर कर दूं कि 2017 में मैं भवानी शंकर बोरीवाल के साथ था, संगठन के साथ था, मैंने फेसबुक पे इंस्टाग्राम पर हर जगह भवानी शंकर बोरीवाल की पोस्ट करी, मगर उस वक्त ये जरूर कारण रहते थे कि मेन फोकस कॉमर्स कॉलेज पे था, क्योंकि वहाँ चुनाव हारे हुए थे, मेन फोकस वहाँ किया और वहाँ से जो वोट हमें जोड़ के और वहाँ ऊपर डलवा सकते हैं। मेरा एक ही स्टेटमेंट है हिमांशु जी भाई साहब से, मेरा एक ही चीज है, मैं 2 मिनट लेना चाहूंगा कि जब संगठन चुनावी ऊपर लड़ा रहा है यूनिवर्सिटी का, तो कॉलेज से क्या काम है? नहीं, अगर आपके पास अगर 2017 का कोई स्टेटमेंट हो, कोई पोस्ट हो, तो आप बताइए, आप सच में बताइए ना। आप अगर मैं कहने पे अभी कह दूं आपको कि अगर मैं आपके पास के ऊपर जाऊंगा, मैं भवानी शंकर बोरीवाल के साथ था, मैं आप सोनवारी की वोट डाल रखी है, एबीपी के झंडे मैंने उठाए हैं बराबर। नहीं नहीं, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने भी आपके बहुत फोटो देखे हैं और मनु भैया ने भी डाले हैं,
कुछ फोटो, तो उसपे आप बता दो या तो आप क्या, आप कहाँ थे, आप इससे पहले आप कहाँ थे, आपने कहाँ काम किया, आप 2000 आप बोल रहे कि मैंने सोनू आरी के झंडे उठाए, ठीक है मान लिया आपने सोनू आरी के झंडे उठाए, दस में से काम किया, सोनू आरी चुनाव लड़ा 2015 में, बिल्कुल आपके 2016 के है, वसुंधरा सरकार मुर्दाबाद, इस तरह के फोटो है जो है मीडिया वालों के पास, सबके पास है, तो आप इस पे स्टैंड बन दो ना कि आप कहाँ थे, आप 2017 जनवरी तक आप कहाँ थे, 2017 जनवरी तक, वो आपकी जो रैली थी वो 2017 जनवरी की, जनवरी नहीं है वो, आपको आप उसको 2016 दिसंबर की नहीं, आप उसको सही ढंग से बता सकता हूँ, 2015 के आसपास की, 2016 की संगठन में काम कर रहा हूँ, बताया मैंने, और 2000 से कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2016 के वो फोटो है, मनु भी आपने चलाए हुए हैं, आप ऊपर देखना उसमें कि 27 दिसंबर 2016 को कांग्रेस ने रेल के लिए 2 साल भी काम किया है, दिल से किया, ईमानदारी से किया है, मुझे इस चीज की नाराजगी नहीं थी भैया, बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे थे, हिमांशु जी को कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं तो चलो मेरे से 1 साल की गलती हुई, मैं मानता हूँ कोई बात नहीं, स्टूडेंट का प्यार मिल रहा है और मैं उन लोगों के लिए काम करूंगा, कोई दोहराई वाली बात नहीं है, उन लोगों की बात हमेशा करे नहीं, आप जब बता रहे हो कि नाराजगी क्यों जताई गई मैंने, तो मेरे ये सीधा स्टेटमेंट है कि मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करता हूँ, 2017 का चुनाव ही ले लें अपन, नहीं थे साथ तो नहीं थे, नहीं थे तो अप्रूव करो ना, कैसे साथ में नहीं थे आपके, अप्रूव करो के साथ में, आप 2017 में हिमांशु भाई आईडी खोलो, मैंने कम से कम 4 या 6 बार आपको, आप स्टूडेंट बोल रहा है, साथ नहीं थे, आप स्टूडेंट बोल रहे हैं ना, गजेंद्र सिंह राणा मेरे को बोलते थे हिमांशु भवानी को पूछा, रौनक गढ़ के कार्ड बैठे थे साइंस कॉलेज में, आप बताओ कोई बाटे हो तो, आप बताओ की बाटे हो तो, मैंने पॉइंट बताए संगठन स्टूडेंट जानता, मेरे को संगठन टिकट नहीं दिया उससे कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन मेरे साथ लोगों का जुड़ाव लगा हुआ, मैं काम कर रहा हूँ 2012 से काम कर रहा हूँ, तो मेरे से जुड़ा हुआ, मुझे ये मान सकते हैं कि जो छात्र राजनीति में चुनाव होते हैं वो संगठन के हिसाब से नहीं होते हैं, संगठन की संविधान के हिसाब से आप लोग चुनाव में लड़ते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, संगठन और संविधान का कोई ऐसा कुछ नहीं है, पर निखिल राज सिंह राठौड़ तो फ्रॉम संगठन काम कर रहा है 6 साल से, चलो उसको टिकट देते चलो हम सोचते भी सही, और प्रथम वर्ष शिक्षित है आरएसएस में, उसका टिकट नहीं मिला उसका क्या रीजन था, मुझे तो मैं तो संगठन से ये चीज पूछना चाहता हूँ कि उसका क्या रीजन था, उसका टिकट काट दिया है साहब ने, हमसे ज्यादा काम क्या होगा शायद उसने, मैं जी आप बताओ, लिंग दो की बात करते हैं अपन, लिंग दो कमेटी की पालना की बात करते हैं, तो क्या लगता है आपको आपने कितनी पालना की, और इन दिनों जो हो रहा है उसमें आपको क्या लगता है कि आप वाकई में पालना कर पाए, मैंने हर चीज की पालना की लिंग दो कमेटी की, और कुछ स्टूडेंट आज भी है स्टूडेंट लीडर जो उनके समर्थक है वगैरह, जो टी शर्ट छापे हुए प्रिंटेड वगैरह घूमते हैं आज भी, और कल भी देख लेना आप, यहाँ चुनाव के दिन भी देख सकते हो, आपको दिखने में मिल जाएंगे, ये सारी चीजें लिंग दो कमेटी की पालना होती नहीं, बाकी कई छात्र नेताओं ने तो पोस्टर भी लगवाए थे सिटी वगैरह, इसके बाद क्या मानना है आपका लिंग दो कमेटी की पालना की अगर बात करें, बिल्कुल लिंग दो कमेटी की पालना के लिए अगर रैली निकालने से रुका गया तो हमने किसी प्रशासन किस पे प्रेशर नहीं किया, हमने लिंग दो कमेटी मानी, और बात टी शर्ट और इनकी है तो एसपी साहब से खुद ने बोला कि आप कैंपस के अंदर कुछ भी कर सकते हैं, कैंपस के बाहर आप कोई निजी काम नहीं करेंगे, निजी कोई पोस्टर लगे बाहर भी आपको दिख जाएंगे, टी शर्ट तो अंदर पहन के जाएगा वो बाहर नहीं पहनेगा क्या, आप बताओ वो देखो आपकी आपको कॉलेज में निकल कॉलेज में जाएगा तब पहनेगा और बाहर निकलेगा तब निकल देगा क्या, वो आपकी सोच है, मैं जी पोस्टर फ्लैग तो आपके भी लगे थे सबके लगे थे, पोस्टर फ्लैग नहीं लगा, देख लेना आप जन्माष्टमी अभी है, वो कहते हैं जगन्नाथ यात्रा अभी गई है, जगन्नाथ यात्रा अलग चीज है भैया, जगन्नाथ यात्रा के लगाए तो उसके बाद मेरे तो नहीं लगे, मेरे कहीं लिखा तो छात्र संघ अध्यक्ष दावेदार हैं, अध्यक्ष प्रत्याशी हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, नहीं सवाल ये है कि अगर शहर के सभी छवि ग्रहों की बात करें, सिनेमा घरों की अपन बात करें, बड़े रिसोर्ट्स की गार्डन की बात करें, तो वहाँ सारे युवा लोग ही मिलेंगे, युवक युवतियां मिलेंगे, डांस वगैरह करते, ये सब कहाँ से हुआ ये, और उसमें बात भी छात्र राजनीति से जुड़ी हुई मानी जाती है, तो उसके बारे में क्या कहना है, ये तो अब कोई करता है तो उसका अपन कुछ नहीं कर सकता, अगर अपन वो इनवाइटेड है वहाँ तो हम बिल्कुल जाएंगे, कल आपको कहीं मैं बुलाऊंगा कि भैया मेरे घर पे ये प्रोग्राम है यार, ये मेरा ही काम है, तो आप भी आएंगे, अच्छा मतलब ये स्पेशली कार्यक्रम सिर्फ युवाओं के लिए होता है और उसमें आपको बुलाया जाता है, क्या आपका क्या मानना है, क्योंकि हमारे पर्सनल में व्यवहार भी होता है और वो लोग हमें इन्वाइट करते हैं, हम भी छात्र संघ चुनाव लड़ रहे हैं तो भी जाते हैं, उन लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, उनका जो पर्सनल प्रोग्राम होता है उसमें इन्वाइट करते हैं, तो हम भी उन लोगों से उस जरिए मिल लेते हैं, अभी ऐसा हुआ कि जो आदमी आपको वहां समर्थन कर रहा था वो दूसरी जगह भी आपको मिल गया, और 5-5 जगह एक जैसे आपके कार्यक्रमों में मिल जाते हैं लोग, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा मैं मानता हूँ बिल्कुल होता है, ऐसा अपन किसी को रोक नहीं सकते, मेरा तो जाना नहीं होता है एक्चुअली में भैया, और आप लिंग कमेटी की बात करते हो, जैसे आप आईनोक्स जाओ, पीवीआर जाओ, कहीं पे भी जाओ, पूरे शो के
मतलब टिकट फुल मिलेंगे, आप कहीं पे भी ट्राई कर लेना। इन दिनों चुनावी दिन चल रहे तो इन दिनों इनके अलावा कभी देखा हो आपने कि फुल शो हो गया वगैरह वगैरह, कोई हिट मूवी चल रही हो तभी होता है ऐसा, इसके अलावा कभी नहीं होता है। अगर कोई बात करें छात्र ठेकेदारों की, छात्रों के ठेकेदार भी आजकल हो गए हैं, वो ये बात करते हैं कि मेरे पास 50 वोटर, 100 वोटर, 10 वोटर, ये आपके पास कोई फेस करने का मौका मिला ऐसा कभी इन दिनों? मैं तो ये की मानता हूँ कि स्टूडेंट से जिसका लगाव होता है, ये जो ठेकेदारों की जब तक बात रही है तो प्यार की बात है, अपन अगर प्यार से किसी को भी वोटेंगे 50। मैं खुद यूनिवर्सिटी चुनाव लड़ रहा हूँ कि सिर्फ मेरे पास मेरा खुद का आईडी कार्ड है और मेरा खुद का वोट है, तो मैं एक सच्ची ईमानदारी से मेरे को डालूंगा। बाकी जिन लोगों के लिए अपन ने काम किया है, जिन स्टूडेंट के लिए अपन दौड़े हैं, काम किया है हर सिंगल कैंपस में रखे, वो लोग बिल्कुल जुड़ाव रखते हैं और उन लोग उम्मीद करते हैं कि अपन आगे भी उनके लिए काम करें। तो ऐसा तो होता है, पर होता है कभी रियल केस में होता है, बाकी ज्यादा नहीं होता है। आपके सामने ये फेस हुआ कि मेरे पास 50 वोट है, 10 वोट है? 50 वोट तक तो नहीं आता है, पर कभी कभी कोई स्टूडेंट्स वगैरह जो रहते हैं मजाक मजाक में, या कोई ग्रुप रहता है वगैरह कि हम लोग है हमारा ये वगैरह, तो मैं तो सीधा कहता हूँ भैया के आप कुछ भी हो वगैरह में क्या मतलब, हम 10 लोग है ये करा दो, पार्टी करा दो वगैरह, तो मैं कहता हूँ कि पार्टी वार्टी कराने वाले तो भैया दोबारा रोड पे नहीं दिखेंगे, मैं जा खड़ा हूँ वहाँ वापस घूमता हुआ दिखूंगा, हर काम कराऊंगा, स्टूडेंट्स की छात्र हितों के लिए लड़ाई लड़ूंगा हर चीज। आप बताइए ऐसे कोई जो छात्र ठेकेदार हैं ऐसे मिले आपको किसी की बात हुई कि मेरे पास 10 वोट है, 15 वोट है, 20 वोट है? नहीं ऐसे बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, आप भी अच्छी तरीके जानते हैं, ऐसे लोग मिलते हैं, पर हम तो एक ही चीज बोलते हैं कि यार आप मेरा कैलिबर देखिए, मेरी कैपेसिटी देखिए, मैंने काम करा वो काम देखिए, और अगर आप मुझे वोट देंगे तो हम आपके लिए खड़े रहेंगे। और ये बात आप जो आप कहना चाह रहे हैं कि पैसों से या इस तरह से कोई वोटिंग होती है तो होती होगी, मगर मैं इसमें डील नहीं करता, मैं मेरी मेहनत करी मैं उसमें विश्वास रखता हूँ पूरा। एक सवाल, बड़ा सवाल जो है, जब से तीनों की उम्मीदवारी हो गई है और तीनों त्रिकोणीय मुकाबला सामने आ गया है, उसमें कहीं न कहीं अब ये जो चुनाव है जातिवाद की तरफ मुड़ रहा है। कई बार सोशल मीडिया पे डांगी समाज के समर्थन में वोट दीजिए, रोध समाज के समर्थन में वोट दीजिए, या बागड़ी समाज के समर्थन में, तो ये छात्र राजनीति में कितना उचित और कहां तक ये सही है? ये कोई जातिवाद की तरह नहीं है, ये लोगों का जुड़ाव है जो बढ़ता जा रहा है, हम लोगों की तरह कोई जातिवाद नहीं हो रहा है किस चीज को लेकर। और मोस्टली जो कोई ना कोई दिल से जो अटैच रखता है वो तो बढ़ाएगा ही, आगे चलेगा। जाति, मेरी सवाल ही कि जातिवाद पे क्यों, अगर सुखदेव डांगी डांगी है इसलिए से वोट दो, ऐसा क्यों आता है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मैं खुद डांगी हूँ जात से, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने ऐसा कोई ऐसा कुछ कह के वोट नहीं मांग रहा हूँ। मैंने स्टूडेंट के लिए काम किया है 2012 से लेकर 2018 तक कंटिन्यू, कोई चुनाव लड़ने के पर्पज से मेरा कोई मोटो नहीं था, उस बात से लेकर अभी तक काम किया है, स्टूडेंट के बीच में रहा हूँ और तब से चुनाव हो रहे हैं तब तक हर चीज को लेकर फेस किया है, हर स्टूडेंट के सिंगल जाके काम कराया है, किसी न किसी स्टूडेंट के, तो उन लोगों की दुआएं उनका साथ है, तो ये डिसीजन भी मैंने इतना बड़ा डिसीजन भी उन लोगों की दुआओं से लिया है, और आगे भी इन फ्यूचर अगर परिणाम मेरे पक्ष में रहते हैं तो मैं उन लोगों के लिए हमेशा डट के काम करूंगा स्टूडेंट के फेवर में। आप बताइए सोशल मीडिया पे जो जातिवाद हावी हो रही है उसके बारे में क्या कहना है? एक्चुअली में भैया मैं एसटी की स्टूडेंट हूँ, मतलब एसटी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ, और स्टार्टिंग से जब आर्ट्स कॉलेज में पहला एसटी प्रेसिडेंट हूँ, और मेरी जो टीम थी मेरे पूरे साल वर्क कर रखा था, तो मेरा कोई पर्टिकुलर किससे कास्ट वगैरह कुछ नहीं था, मेरी टीम में भी कोई एसटी के एक या दो बंदे थे, कुछ जातिवाद वगैरह कुछ नहीं होता, पर्सनल मेहनत होती है, व्यक्तिगत व्यवहार होता है, काम होता है, इस वजह से स्टूडेंट जुड़ते हैं और समर्थन करते हैं। क्या मानना हिमांशु जी आपका जातिवाद क्या? जातिवाद तो यूनिवर्सिटी में कुछ होता ही नहीं है, जातिवाद होता तो सर बहुत सारे ऐसे लोग अध्यक्ष बनते हैं जो ना तो डिजर्विंग थे, सोशल मीडिया की बात होता हूँ, जातिवाद कुछ नहीं होता, एक भाईचारा होता है, एक प्रेम होता है, जाति की वोट पोस्ट और इसलिए डालते हैं कि हम शायद बहुत बार उनसे मिलते हैं प्रोग्रामों में और हर जगह, तो एक अटैचमेंट बढ़ जाता है भैया, जब किसी की शादी होगी या किसी के घर पर कोई खाना हो गया या किसी का मौत मरण हो गया तो वहाँ जाना होता है, तो लोगों से मिलना होता है, और शायद हो सकता है कि रोध परिवार में मेरा नहीं हो या डांगी समाज में मेरा नहीं हो, मगर मेरे समाज में जाना आना पड़ता है, तो उस हिसाब से उनसे प्यार होता है, तो वो देखते हैं अपना भाई चुनाव लड़ रहा था इसलिए पोस्ट डालती है, बाकी व्यक्तिगत जिसके घर किसी का किसी नहीं है तो बिना जाने कोई किसी की पोस्ट नहीं डालता है। चारों सेंट्रल कॉलेज हैं जी, क्या लगता है आप छात्रों के बीच में घूमे हैं तो क्या मेन कमी क्या आई है, और इसमें चारों सेंट्रल कॉलेजों में आपको क्या लगता है अगर आपकी जीत होती है तो लीड कितनी रहेगी, या इनके बीच में जो मेन कमी आ रही है वो क्या है? अभी तो हम मेहनत पे फोकस कर रहे हैं कि
जो नया हो रहा है हमसे, जो अचीवमेंट नया हो रहा है उसको कर रहे हैं हम बराबर, कंटिन्यू टू कंटिन्यू। कॉमर्स कॉलेज का स्टूडेंट हूँ मैं, तो सबसे ज्यादा वोटिंग होती है उसमें अप्रोक्स 3000 के आसपास, तो वहां से सबसे ज्यादा वोट बटोरने की कोशिश करूंगा मैं वहां से। और बाकी साइंस कॉलेज है, आर्ट्स कॉलेज में भी मेरे नाम की वजह से है थोड़ा बहुत, और लॉ कॉलेज का भी है थोड़ा बहुत स्टूडेंट जो पुराने गए कॉमर्स से, तो वो सभी लोग साथ हैं। और अप्रोक्स अब वो तो रिजल्ट ही डिपेंड करेगा, हम लोगों का काम है मेहनत करना। और जो आई स्टूडेंट की प्रॉब्लम को लेकर हम वहां से फेस कर रहे हैं आज भी और आगे भी फेस करेंगे, चाहे नतीजे अब जो डिसाइड होंगे वो 11 को ही होंगे। अभी तक मेहनत की है और आगे भी इसी कंटिन्यू 2 दिन और मेहनत करनी है, वो करेंगे। आप क्या मानते हैं चारों संकट कॉलेजों में जिस तरह से आप जाते हैं, या कमियां क्या रही है, या फिर आपका प्रभाव चारों संकट कॉलेजों में किसमें ज्यादा है? मैं वर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष हूँ आर्ट्स कॉलेज से, और मैंने विश्वविद्यालय के आर्ट्स कॉलेज में भी कई सारे काम करवाए जो इतने सालों से नहीं हुए थे, जैसे विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा कैंटीन, लाइब्रेरी है, GCR है, यहाँ तक कि पार्किंग का जो रोड है, यूनिवर्सिटी पार्किंग बढ़वाई है, इसके अलावा 4 रूम है जो SFS के स्टूडेंट्स की क्लासे लेट लग पा रही थी, 12 से 1 बजे स्टार्टिंग था, तो इस वजह से उनका 9 बजे से स्टार्ट करने के लिए 4 रूम बनवाए, वगैरह वगैरह कई सारे ऐसे काम करे थे, जैसे पानी पीने की व्यवस्था मूलभूत व्यवस्था में आता जो नहीं थी, मतलब RO नहीं लग रहे थे इस कला महाविद्यालय में, और लाइब्रेरी में बुक्स मंगाई 10,000, ई लाइब्रेरी बंद पड़ी थी जिसको शुरू करवाया वापस से, सीटिंग व्यवस्था करवाई, ऐसे बहुत सारे काम कर रखे मैंने, और यहाँ तक कि वृक्षारोपण भी किया था 100 पौधों का कला महाविद्यालय में। और विश्वविद्यालय के लिए भी मैंने कई, जैसे साइंस कॉलेज वगैरह रिजल्ट में भी दिक्कत आई थी, कई सारे स्टूडेंट की कॉपियां चेक नहीं हुई और सीधे नंबर मिल गए थे वगैरह वगैरह। उससे पहले तो ये मुद्दा, उससे पहले तो हम दोनों उठा चुके थे BSc फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, हिमांशु जी क्या कहना है आपका, BSc फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का जो रिजल्ट की जो कन्वेंशन थी उस मुद्दे को तो अपन ने बहुत पहले ही उठा लिया था। हम धरने पे बैठे हम लोगों ने, मैं आपको बता दूं कैंटीन का जो मुद्दा है जो आप बता रहे हो कि आपका लेवल चुका रहे हो उस कैंटीन पे, वो क्या वो कैंटीन विद्यार्थी परिषद ही देन है, विद्यार्थी परिषद ने उठाया मुद्दा, विद्यार्थी परिषद ही देन नहीं है, विद्यार्थी परिषद वो कैंटीन परिषद की बने, वो कागजों में थी कैंटीन, भवानी शंकर बोरीवाल के नेतृत्व में वो कैंटीन, भवानी शंकर बोरीवाल विद्यार्थी परिषद 4 फीट जो तिरंगा था वो भी कागजों में था 4 साल से, कहीं बाहर नहीं आया था। जो ध्वज बिरा 15 अगस्त को जो ध्वज बिराया गया वो भवानी शंकर बोरीवाल एट प्रेजेंट अध्यक्ष थे एबीवीपी के, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के हिमाचल जी, वो 4 साल से वो कागज कागजों में था, वो काम तो 4 साल पहले हो जाना चाहिए था ना, पहले भी तो एबीवीपी का अध्यक्ष बने कौन आपके, मयूर जी वो तो एबीवीपी तो 300% काम करते ना, आप तो बोल रहे काम करा वो काम दिखा 300% काम करा तो काम दिखा क्या मतलब है, तो आप मेरे किसमें लगे 4 साल, आप बोलो ना 4 साल में अगर कागजों में थे तो 2016 में आप लोग लेते ना, 2017 में विद्यार्थी परिषद में भवानी शंकर बोरीवाल चुनाव जिताया और पूरा संगठन के साथ लगा, 2016 से थी ना इसकी, और हमारा हमारे ग्रुप से अध्यक्ष बना भवानी शंकर बोरीवाल, तो उसने कराया ये काम, कहा दोहराए की बात ही नहीं है ना, विद्यार्थी परिषद के विद्यार्थी परिषद खाली कागजों में था, ये कागजों में था, अरे यार ये क्या बात थोड़ी होती है भाई, तो आप यूनिवर्सिटी में MDS में है, JNU में है, अपने राजस्थान यूनिवर्सिटी में, तो वो कागजों में थोड़ी ना, ये तो डिमांड है आज की थोड़ी, कब से वहाँ ये नहीं लिखा जाता है भवानी शंकर बोरीवाल निर्दलीय था, इसीलिए भवानी शंकर बोरीवाल पर्सनल लड़ा है, प्रश्न लड़ा संगठन से बुराई नहीं कर रहा हूँ, मुझे उससे संगठन के फैसले से ही मैं नाराज नहीं हूँ, व्यक्ति विशेष से नाराज हूँ मैं, व्यक्ति विशेष की वजह से टिकट मिला इसलिए नाराज हूँ मैं, कौन से व्यक्ति विशेष की बुलाया, मुझे संगठन से टिकट नहीं मिला, मेरे पास कोई लाइजनिंग नहीं थी, लाइजनिंग थी, मैंने काम किया 6 साल, काम तो मैंने ठीक है ना, मैंने लोगों से काम तो मैंने भी किया, लोगों ने खुद ने वोट पोल डाली, आपने वोट डाली नहीं, तो ये यूं बोल रहे हैं, ये संगठन से एक दिन पहले टिकट लेने जा रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि NHOU और ABEP मुझे मेरा पर्चा निरस्त कराने लगी हुई है, दोगली राजनीति चल रही है, ऐसा है वैसा है, वो सहानुभूति वो हमने भी डाली,
डाली ना, तो फिर आपने क्यों डाली? कैसे दे दिया आपने पोल डाली? आपने पोल डाली? चुनाव लड़ी नहीं चल रही, आपने पोल डाली? आपने पोल डाली? हम स्टूडेंट अगर मैं लड़ रहा हूँ चुनाव किसके लिए, मैं इनके लिए नॉर्म चेंज हो जाते हैं यूनिवर्सिटी, नॉर्म चेंज हुआ है क्या बातें कर रहे हो? आपने मेरे कहने पर नॉर्म चेंज है हिमांशु जी, मेरे कहने पर नॉर्म चेंज होते हैं, मेरे कहने पर नॉर्म, मेरी बात सुनो, मेरी बात हिमांशु जी, आपने पोल डाली, मेरे कहने पर नॉर्म चेंज होते हैं, इन्होंने 2016 में बोला एनएसयू और एबीपी हिंदी राजनीति कर रही है मेरे साथ और मेरा पर्चा निरस्त करने में लगी हुई है और अगले दिन इनको टिकट मिलता है, तो फिर ये क्या था? एक आम स्टूडेंट के साथ जो संगठन में काम करता है उसको कोई दिक्कत नहीं, कोई वैल्यू नहीं? भैया मेरी बात, उसके बाद मुझे कोई नाराजगी नहीं है, मुझे स्टूडेंट के लिए काम करना है, उनका स्नेह प्रेम मेरे से जुड़ा हुआ है और मैं उन लोगों के लिए जा रहा हूँ। आपने और आपके ग्रुप ने हमेशा चुनाव लड़ने की सोची, चुनाव लड़ने की गलती की बात नहीं है, लोगों का प्यार है, लोगों के लिए काम सुनना, गलती एक बार होती है। 2015 में सोनवारी जीता वो कहीं ना कहीं हमारे ग्रुप से था, 2016 में मयूर तो जीता, आप स्टूडेंट नहीं कर सकता, आप 2017 में सही में थे, आप 2017 में सही में थे, देखना आप 2017 आप विद्यार्थी परिषद में भवानी शंकर बोरीवाल चुनाव लड़ा, आप कॉमर्स को लड़ रहे थे, भवानी शंकर बोरीवाल के साथ मैं था, भवानी शंकर बोरीवाल चुनाव लड़ा उस दिन, आपका थे, मेरी बात आप होते तो मालूम पड़ता है, आप ग्रुप के साथ नहीं देखा, आपको रोने करते हुए देखा, क्या बातें कर रहे हो आपके, मेरा मेरा एक ही मत है, मेरे को स्टूडेंट के लिए काम करना है और मैं उनके लिए हमेशा आज 2-7 साल 6 साल से लड़ा, आप काम करिए, आप काम करिए, मैं संगठन से नाराज नहीं हूँ, बस व्यक्ति विशेष से नाराज हूँ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। चार संगठन कॉलेजों में आप भी जा रहे हैं, जिस तरह से बातें हो रही हैं, मतलब क्या लगता है आपको क्या कमी है, और अगर मान लो छात्रों के बीच में लीड भी हुई है आप, कौन सा कॉलेज आपके सबसे प्रिय है और उसमें आपको थोड़ी कमी लगती है? सबसे फ्री कॉलेज कॉमर्स कॉलेज है, क्योंकि मैंने कॉमर्स कॉलेज से बीकॉम करी, एमएचआरएम करी, उसके बाद सेकंड कॉलेज है मेरा एमए, जाकर मैं कुछ स्टूडेंट हूँ, और लॉ कॉलेज भी मेरा अच्छा कॉलेज है, क्योंकि बीकॉम के बच्चे पढ़ के लॉ में आए हुए हैं और वो मेरे संघर्ष को जानते हैं, वो हर चीज को वो जानते हैं, क्योंकि वो कहते ना वो गड़गड़ के महादेव बने हुए हैं, कॉमर्स कॉलेज में उन्होंने ग्रेजुएशन करी हुई है और अब एलएलबी करने वहां गए, तो मेरे तीनों कॉलेज अच्छे हैं, साइंस में पकड़ का मैं उसे मैं कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ वहाँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं वोटिंग के दिन से पहले तक मैं वहाँ अच्छा कर लूंगा। महेश जी आप बताइए, दोनों आपके सामने त्रिकोणीय मुकाबला है, दोनों खड़े हुए, आप किसी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं? सवाल तो ये भैया, एमएलएसयू में कहीं ना कहीं संगठन सर्वोपरि नहीं माना जाता है, ग्रुप सर्वोपरि माना जाता है, आप पुरानी हिस्ट्री भी देख लीजिए, अभी का भी देख लीजिए, यही चलता आ रहा है। ये इन दोनों में से किसी को सवाल करना चाहते हैं आप? इन दोनों में से तो क्या, ये खुद ही किसी ग्रुप विशेष से, ये एमडीएस से भैया, तो एबीपी से शुरू से 2013 से ये बता रहे, जैसा कि ग्रुप वगैरह तो ये खुद ही जानते ही है, मैं अलग से क्या बताऊं। आप बताइए सुखदेव जी, कोई सवाल हिमांशु जी से, महेश जी से, ऐसा कोई सवाल जो आपको यहाँ करना जरूरी है, छात्रों के बीच जाना चाहिए वो सवाल? बस हमें तो बस छात्रों का काम करना है, वो करेंगे, न तो हिमांशु जी से मेरी कोई नाराजगी है, ना महेश जी से कोई नाराजगी है, हम अपनी मेहनत से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं हम, मैं भी खुद कॉमर्स कॉलेज से हूँ तो वहाँ पे भी मेरी स्टैंड है, हिमांशु जी ने जैसे बताया लॉ कॉलेज में, तो लॉ कॉलेज में वो स्टैंड गए, मेरा डबल एम कॉम है, मैंने बी कॉम कराया, एम कॉम बीबीए में कराया, एम कॉम बिजनेस साइड में चल रहा है, तो बस और साइंस कॉलेज में अच्छा लगा हुआ लोगों का जुड़ा हुआ है तो ठीक है, और आर्ट्स कॉलेज मेरा एडमिशन नहीं है तो वहाँ पे कुछ भाई लोग हैं मेरे लिए और उन लोगों के लिए कहीं काम किया है तो वो लोग काम कर रहे हैं, कोई ऐसी दोहराई वाली बात नहीं है मेरे लिए। चलिए आप इन दोनों में से किसी को सवाल करना चाहते हैं? मेरा कोई सवाल नहीं है, मेरे बड़े भाई हैं दोनों ही, बस मेरा यही है कि मैं मेरे बारे में बता सकता हूँ, मैं किसी और के बारे में नेगेटिव नहीं बात कर, बस वही है हमारे, आप मेरे बारे में पूछोगे मैं आपके मेरे बारे में, आप हमारा प्रश्न पूछ लीजिए, जो जो बात छात्र मतदाताओं को क्या कहना चाहते, चुनाव चुनाव कल और परसों जी, देव जी छात्र मतदाताओं को क्या कहना चाहते हैं, करीब 12,500 समथिंग मतदाता, 12,300 के आसपास जी, तो छात्र मतदाताओं को क्या कहना चाहते हैं उदयपुर न्यूज चैनल के माध्यम से? बस यही कहना चाहता हूँ कि पिछले कई सालों से संघर्ष कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए आगे भी खड़ा रहूंगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, और आपका छोटी छोटी प्रॉब्लम से लेकर आपके हर सुख दुख की घड़ी में मैं साथ रहूंगा, आप कोई भी काम हो डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट करें, और अगर परिणाम अगर मेरे पक्ष में रहते हैं तो इस एमएलएसयू का हर एक आम छात्र केंद्रीय छात्र संघ अध्यक्ष होगा, ताकि डायरेक्ट वो विषय तक बात कर सके, डायरेक्ट दिन से बात कर सके, किसी अध्यक्ष की जरूरत ना हो उसको, हर एक हर जो भी अगर मेरी परिणाम मेरे ईश्वर मेरे पक्ष में रखता है
तो हर एक छात्र के बीच में जाके काम करूंगा, हर छोटे से छोटे लेकर जो अभी शुरू से करता आया हूँ और आगे भी करूंगा। और मेरी टीम पूरी एक्टिव रहती है, पूरे साल एक्टिव रहती है और काम करती है, तो आगे भी हम ये काम कंटिन्यू रखेंगे और छात्र संघर्ष मेरा जारी रहेगा हमेशा के लिए। मैं जी क्या कहना चाहते हैं मतदाताओं को? मतदाताओं को ये कहना चाहता हूँ मैं सबसे पहले कि कुछ भी हो वोट देने जरूर आए, क्योंकि जब आप वोट देने नहीं आते हो तो कोई ना कोई कैंडिडेट जो वो नहीं रखता हो वो चुना जाता है। इस वजह से वोट देने जरूर आए और जो आपको सही लगे उसे वोट करे या नोटा दबाए, जो भी हो आप जो चाहते हो। और मैं हमेशा से शुरू से आर्ट्स कॉलेज प्रेसिडेंट भी रहा और छात्र हितों के लिए हमेशा काम करते आया और हमेशा साथ रहूंगा और ग्राउंड लेवल पे हर काम करूंगा। हिमांशु जी क्या कहना चाहते हैं छात्र मतदाताओं को? दोस्तों मैंने हमेशा काम करे हैं और मैं 2013 से एक्टिव पॉलिटिक्स करी है या एक्टिव छात्र राजनीति में एक्टिव था। आप न्यू हो तो आप इसकी छानबीन करिए, आप मेरे सोशल मीडिया पे, मेरे फेसबुक पे या यूट्यूब पे हर जगह डाल के देखिए, आपको कुछ ना कुछ काम नजर आएंगे। अगर चुनाव जीतता हूँ या हारता हूँ वो विषय नहीं है, मैं आप लोगों के साथ मैं पहले भी था और आगे भी खड़ा रहूंगा। जो वादे मैंने करे घोषणा पत्र में वो वादे चुनाव जीतूं या हारूं मैं उनके लिए लड़ूंगा ही लड़ूंगा, पूरे साल मुझे उनके लिए लड़ना ही है। हाँ ये जरूर होगा अध्यक्ष बनता हूँ तो एक अध्यक्ष की हैसियत से लड़ना है, और अध्यक्ष नहीं बनता हूँ तो एक सिपाही की तरह लड़ना है। तो देखा आपने विसात 2018 में तीनों ही जो उम्मीदवार हैं, त्रिकोणीय मुकाबला सुखाड़ा यूनिवर्सिटी में देखा जा रहा है और तीनों ही उम्मीदवारों ने अपनी अपनी बात रखी। आपको किसे चुनना है ये आप ही तय करेंगे और ये 31 अगस्त को आपको मतदान करने जरूर जाना है, यही उदयपुर न्यूज अपील करता है, ताकि आपके दिलों पर 11 सितंबर को कौन राज करेगा ये वही बताएगा। नमस्कार। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके।